टोटल डोमिनेशन भाई, टोटल डोमिनेशन आज के मैच में, मतलब क्या ही खेले हैं भाई। 5 गोल, एक एक गोल क्या चुम्बेश्वरी गोल था भाई। बहुत ही मजा आ गया आज के मैच में, सबने बहुत अच्छा खेला। एंड अब हम थोड़ा सा फटाफट से एक क्विक रिव्यू करेंगे लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम के मैच के बारे में, जो काराबाओ कप का मैच था। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल भाई, लेट्स गेट राइट इन टू इट भाई। कितना गजब मैच था भाई, मजा आ गया भाई, एक एक गोल देख के, एक एक एसेस देख के भाई। स्लॉट बॉल अगर ऐसी है तो मैं, मजा आने वाला है बाकी सीजन में। बट यार जब मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि इन सालों ने फुटबॉल खेली नहीं है कभी एक साथ। बट थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडेबल भी था क्योंकि काफी चेंजेस थे। फ्रंट फोर था, कर्टिस एंड एंडो की मिडफील्ड थी, लाइक 4-2-4 काइंड ऑफ था। एंड उसमें गोमेज एंड क्वांजा आज सेंटर बैक्स थे। सिमिकास वर ऑल वाज आल्सो लाइक ऑल ओवर द प्लेस एज वेल। ब्रैडली भी डिसेंट कर रहा था, बट पहले 25 मिनट इट वाज नॉट गुड भाई। वेस्ट हैम पूरा चढ़ के खेल रही थी, वेस्ट हैम बहुत अच्छा खेल रही थी। लाइक उन 25 मिनट में समरविल ने बहुत ट्रबल दिया। अल्वारेज वाज वेरी डोमिनेंट एंड कर्टिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा था पहले 25 मिनट। बट उस 25 मिनट के बाद क्या टर्न अप हुआ, क्या हुआ, गॉड नोस। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो 25 मिनट के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने बॉल का पोजीशन रखना स्टार्ट किया, हमने वो बेसिक पासेस इधर उधर करना स्टार्ट किए जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आया। और जैसे वो फर्स्ट गोल वेस्ट हैम ने मारा यार, मतलब उस टाइम पे आया वो सो फ्रस्ट्रेटेड जब वो कॉर्नर लिया गया था। एंड आई वाज लाइक कि भाई इतना गंदा डिफेंड कैसे कर दिया हमने कॉर्नर। बट अगेन फर्स्ट टाइम वो बैकलाइन एक साथ खेल रही थी, नहीं समझ आया। एंड मतलब बहुत जोकर वाली डिफेंडिंग करी एंड कौनसा का ओन गोल हुआ, एंड वेयर आई डोंट इवन ब्लेम कौनसा भाई, वो कुछ नहीं कर सकता था उसमें। बट जो उसके बाद हमने जो रिस्पॉन्स दिया वो इज वेरी हैप्पी कि भाई फटाफट से नींद से जागे ये लोग। एंड कीएजा ने वो हाफ वॉली काइंड ऑफ अटेम्प्ट लिया, अगेन ही इज अ वेरी फकिंग इंटेलिजेंट प्लेयर भाई। 12 मिलियन में बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा प्लेयर मिला। अभी भी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये बंदे के, बस स्टार्टर वाली क्वालिटी है लिवरपूल के खेलने के लिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। गिव हिम सम टाइम, ही विल कम गुड। आज इतनी इंटेलिजेंट रन्स थी उसकी भाई, कितना एजाइल प्लेयर है भाई। वो शॉट लिया उसने मोर और लेस हवा में, उसने ट्राई मारा। अगेन मैंने ये ट्वीट किया नहीं बट मैं बोल रहा हूँ, इफ डियागो जोटा स्टेज इंजरी फ्री थ्रू आउट द सीजन भाई, ये स्लॉट के एरा में ना वैसा प्लेयर साबित होगा जो फिरमीनो क्लॉप के एरा में था। क्योंकि मेरे हिसाब से ये आरने स्लॉट इसको अपना रॉबर्टो फिरमीनो मानता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट जो रिलायंस, जो ट्रस्ट क्लॉप को फिरमीनो में था, मुझे ऐसा लगता है कि आरने स्लॉट को वही ट्रस्ट डियागो जोटा में दिखता है भाई। उसका दिमाग देखो भाई, वो प्रॉपर जो एक नंबर 9 वाला साइकी होता है ना, उसने वो देखा वो शॉट ले रहा है, नहीं वो रेडी की भाई अगर चांस आया हेडर मारने, और हेडर मारा और गोल भाई। 4 मिनट के अंदर हमने हिट बैक किया भाई, मजा आ गया वो देख के वो गोल। अच्छा जैसे वो गोल आया उसके बाद क्लियरली दिख रहा था कि भाई हम एक के बाद एक अटैक कर रहे थे, हम बॉल पे और कॉन्फिडेंट हो रहे थे, गलतियां इधर उधर कर रहे थे, बट अगेन वी वर क्रिएटिंग चांसेस भाई, चांसेस के बाद चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और उसके बाद जो भाई अराउंड लाइक हाफ टाइम खत्म होने के बाद, लाइक एक्स्ट्रा टाइम में हमने 49 मिनट में जोटा ने गोल मारा था। अगेन अमेजिंग चांस क्रिएटेड भाई, अमेजिंग गोल था वो। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ एंड 2-1 पे आई वाज लाइक बस ठीक है भाई, मैच मतलब अपने अपने हाथ में है, एक गोल और आ जाए। एंड जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ थोड़ा वॉबली अराउंड लाइक फर्स्ट 10 मिनट्स, आई वुड से वी 5-6 मिनट्स एटलीस्ट थोड़ा वॉबल किया हमने, बट अगेन वापिस हमने गेम की पकड़ ली। एंड उसके बाद भाई जब साला पाजी का गोल आया भाई, स्वाद आ गया। मैं तो कहता हूँ सब्सिट्यूट करे कीएजा को, अराउंड लाइक 55-60 मिनट्स का गेम टाइम मिला। एंड मैकलिस्टर आया गया उसके बाद, इवन जोटा को भी फिर वापस बुला लिया। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से रोटेट कर रहा है सब्सिट्यूट्स को आरने स्लॉट की, रेस्ट भी एडिक्वेट सबको मिल रहा है। एंड साला को भी रेस्ट मिला हुआ था, उसके बाद साला भी थोड़ा चार्ज्ड अप दिख रहा था इस गेम में। एंड जिस चांस पे वो पाउंस अप किया, एंड मतलब वो बहुत गोली की तरह शॉट मारा यार उसने, लाइक आई फील लाइक इट लुक्स इजी बट वो टेक्निक जो उसकी थी इट वॉज डिफिकल्ट इन माई ओपिनियन। एंड बहुत अच्छा गोल था यार उसके बाद। बट
सेकेंड हाफ में जो प्लेयर आया वाज लाइक कि भाई मजा आ गया देख के, वाज गैकपो भाई। फर्स्ट हाफ में थोड़ा इधर उधर था बट सेकेंड हाफ में भाई वो मजा आ गया भाई, क्या खेला है यार। लाइक उसका कट इन का बर्स्ट ऑफ पेस वो दिख रहा था कि आज ही वॉज लाइक कि आज मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना है। जो जैसे उस दिन डियाज को मिलान के गेम में था ना, आज गैकपो को था कि आज मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना, आज मेरे को दिखाना है कि मैं स्टार्टर पोजीशन के लिए भी चैलेंज कर सकता हूँ। एंड आई एम ग्लैड जो उसको 90th मिनट पे एंड एक्स्ट्रा टाइम में ऑब्वियसली जो उसको दोनों गोल मिले, दोनों गोल तो मतलब गैकपो वाओ गोल थे भाई, मजा आ गया था देख के। लोग बोलेंगे कि डार्विन न्यूनेस ये वो वगैरह वगैरह, डार्विन न्यूनेस का गेम थोड़ा साइलेंट गया था बट अगर उसका तुम वर्क रेट देखोगे भाई, वो एक बात मैं बोल रहा हूँ नोटिस करना, नेक्स्ट गेम में अगर डार्विन न्यूनेस खेलता है, जब भी खेलेगा ही इज बिट मोर कैजुअल नाउ, वो फालतू का स्ट्रेस नहीं ले रहा है। वो गोल आने से पहले भी उसकी जो रनिंग्स थी ना, रन्स बना रहा था, इतने इराटिक रन्स नहीं बना रहा था, कहीं भी कुत्तों की तरह नहीं भाग रहा था, अब दिमाग से थोड़ा टेंशन फ्री खेल रहा है। लाइक ही इज आज उसको पता था कि आज मेरे को सर्विस ज्यादा नहीं मिलेगी बट उसने वर्क रेट दिखाया, उसने डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसने स्पेसेस गैकपो के लिए, साला के लिए, कियेजा के लिए, जो जो खेल रहे थे सबके लिए स्पेसेस क्रिएट करी, कि इसलिए आज विंगर्स दोनों जितने भी विंगर्स थे वो ज्यादा गेम जोन्स को, पहले 15-20 मिनट नॉट गुड बट उसके बाद उसने पिक किया। एंड अगेन जो मैंने हमेशा एक चीज बोली थी कि उसका सबसे बड़ा एसेट है कि वो बॉल लेके आगे ड्राइव अप करना जानता है। The only weakness is कि वो ball release कभी कभी बहुत late करता है या कभी कभी बहुत जल्दी कर देता है। आज उसने वही ball release timely करी, उसने बहुत अच्छी runs बनाई भाई, जहां पे player अच्छा करेगा credit is due भाई। अगर वो ऐसी performance जैसी उसने आज दी है, वही ये वो consistently दिखाता जाए ना over the period of few matches, तो उसका भी confidence बढ़ेगा and I'll be like कि भाई I am fucking happy कि भाई अगर वो ऐसा करेगा। एंड भाई मैं भी तब भी बोलता हूँ क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूँ कि हमारा क्लब अच्छा करे। बट ओवरऑल यार जो भी आज मैच था, लाइक सिमिकास का जो वो सेव काइंड ऑफ सेव कह सकते हो, मतलब फिल जोन्स की याद दिला दी, दैट वॉज फनी। बट मोर और लेस यार सेकेंड हाफ में सबका परफॉर्मेंस अच्छा था एंड पांच गोल मारे यार, पांच गोल वॉज प्रिटी गुड भाई। एंड आई एम हैप्पी कि इंजरी फ्री हम वापस आ गए वहां से। एंड नेक्स्ट मैच वुल्व्स के साथ होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी भाई, वुल्व्स के होम स्टेडियम में जाना है, अवे मैच है, सो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट एज वेल। बट उस दिन हम वॉच अलॉन्ग पक्का करेंगे, आज नहीं कर पाए, रियली सॉरी, ऑफिस जाना था। बट यार प्लीज लेट मी नो यार आपको क्या लगता है। मेरे लिए कोडी गैकपो मैन ऑफ द मैच था बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाफ, द होल सेकेंड हाफ लाइक ही प्लेड यार, लाइक ही वॉज फकिंग अमेजिंग भाई। सो प्लीज डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपका मैन ऑफ द मैच क्या था एंड आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स इस मैच में लगी एंड आपको क्या अच्छा लगा, शेयर करो यार। एंड बहुत जल्दी मिलेंगे और बातें करेंगे, टिल दैट टाइम टेक केयर।